ओके गाइस, मैं यहाँ मेन अबुल अस्वानी रोड पे यहाँ पे आई हूँ और यहाँ पे एक और स्टॉल लगाया हुआ है आवाम की रिलीफ के लिए। और ये हमारी प्यारी खातून यहाँ बैठी है, इन्होंने स्टॉल लगाया है आवाम को रिलीफ देने के लिए। यहाँ पे फल वगैरह इन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं और आवाम को ये रिलीफ दे रही हैं और प्राइस भी कम से कम दे रही हैं ताकि आवाम को रमज़ान मुबारक का महीना जो है वो स्टार्ट होने वाला है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले आवाम को। तो गाइस, ये आवाम की सहूलत के लिए जगह जगह स्टॉल लगाए जा रहे हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ और कैप्चर करवा रही हूँ गाइस। तो मैं आपको इनके रेट भी बताती हूँ और इनसे मैडम से बात भी करूँगी, ठीक है ना गाइस। तो चले मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मेरी वीडियो के साथ इंतजार बंद रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है गाइस। तो गाइस, मेरे साथ मौजूद हैं करम अख्तर जिन्होंने ये स्टॉल लगाया है और मैं इनसे बात करती हूँ कि इनका स्टॉल लगाने का ख्याल कैसे आया और आवाम को रिलीफ देने का ख्याल कैसे आया गाइस। तो मैं इनसे बात करती हूँ करम अख्तर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, बताएं कि ये आपने जो स्टॉल लगाया ये आपको ख्याल कैसे आया कि आप आवाम को रिलीफ दें और इसका माशाल्लाह से मुबारक महीना आमद आमद है, कल से रमज़ान स्टार्ट है, तो आपने ये ख़ुद अपने ओन पर लगाया, ये सारा सिस्टम आपने खुद किया? अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप आई मैंने हमें प्रमोट किया आप लोगों ने। तो इस स्टॉल लगाने का मकसद ये है कि जैसे आपको पता है इतनी महंगाई है तो हम मैं भी एक औरत हूँ तो किचन चलाती थी तो बहुत मुश्किल था। 300 में मेरा पहले किचन चल जाता था जैसे सब्ज़ी वगैरह, सही। फिर 300 में भी नहीं चलिए, 500 से कम में सब्ज़ी नहीं, सही। तो मैंने सोचा रमज़ान की भी आमद आमद है, क्यों ना ये लोगों की मदद किस तरह से की जाएगी। तो मैं एक दिन अपनी सब्ज़ी लेने के लिए सब्ज़ी मंडी पहुंची तो मैंने देखा कि ये तो बहुत ही दुगना क्या 3 गुना ज़्यादा ले रहे हैं सब्ज़ी वाले, सही। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा काम किया जाए जहां लोगों को रिलीफ मिले और बड़ी खुशी से लेके जाए बड़े फखर से जी अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना खिलाए। बिल्कुल। तो मैंने ये सोचा, फिर मैंने अपने मेहनत करती रहती हूँ, मैं चीफ चेयरपर्सन इस तरह से करती रहती हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना इस तरह से लोगों को रिलीफ किया जाए, सही। तो माशाल्लाह से मैंने ये लगा लिया स्टॉल और मुझे स्टॉल लगाए हुए 2 हफ्ते हो गए माशाल्लाह, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत लोग खुश हैं। जो लोग गोश्त, तो वैसे भी आपको पता है लोगों के पहुंच से दूर था, तो बहुत, गोश्त लोगों की बहुत, और अब सब्जी भी हमारी पहुँच से दूर बहुत दूर हो गई, सही बात है। तो माशाल्लाह ये मैंने सब्जी का स्टॉल लगाया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अब रमज़ान है तो रमज़ान में मैंने फ्रूट भी लिया है, लेकिन अब जो मंडी के रेट है ना आज तो और भी ज़्यादा चढ़े। अच्छा, हम मुसलमान हैं ना, इस महीने में हम यही नेकियां कमाते हैं, सही बात है। फिर रमज़ान के लिए हम हर चीज़ स्टॉप करके रख देते हैं, सही बात है। रमज़ान में कमाएंगे ना, एक महीना तो आ रहा है, लेकिन देखें ये पैसा ये दुनिया दौलत साथ नहीं जाती, सही बात है। इंसान को ये सोचना चाहिए कि इंसान की कुछ दुआएं ही बंदा लेके चला जाए। अब यकीन माने मुझे इतनी नुकसान हो रहा है, सब्जी आपके पीछे इतनी खराब पड़ी हुई है, ये देखें इस तरह से मुझे सब्जी मंडी से मिल रही है, वो लोग अब मैं सब्जी बेचने वाली तो नहीं हूँ, ना मुझे पता है ना मुझे आइडिया है कि कौन सी सब्जी सही है कौन सी नहीं है, और पैसा तो मुझे उतनी मुझसे ले रहे हैं जितनी बाकियों से ले रहे हैं, सही। लेकिन मेरा नुकसान बहुत हो रहा है, मुझे सब कह रहे हैं आप नुकसान क्यों कर रहे हो। मैंने कहा देखिए हम लोग जो क्या करते हैं, रमज़ान आता है अपने सर से बहुत जलका कर देते हैं, जकात निकाल दी जान छोड़ दी, राशन का एक थैला बना दिया, वो भी सफेद पोश लोग नहीं मांगने जाएंगे राशन, तो हमें इस तरह के काम करने चाहिए। ये मैंने किया है, आपको भी करने चाहिए, हर बंदे को करने चाहिए, हर गली मोहल्ले में होने चाहिए, सही बात। तो मैंने ये एक स्टेप उठाया है कि ताकि हमारी हुकूमत को थोड़ा शर्म या हया या लिहाज आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ, और हमारी आवाम भी चाहती है। हमारे कराची में बहुत अच्छे लोग हैं और हमारा कराची बहुत अच्छा है जो हर मुश्किल में हर मुश्किल घड़ी में लोगों का साथ देते हैं, सही। तो इस वजह से अल्लाह के देने वाले बहुत बड़े बंदे हैं यहाँ पे जो देते हैं, हमारे बड़े बड़े इदारे माशाल्लाह इन लोगों के दम से ही चल रहे हैं। अब देखिए ना, जैसे सफाई कुछ लोग हैं वो सिलानी में नहीं जाएंगे, वो JTC के दफ्तर पे नहीं जाएंगे, सही। वो नहीं, और ये हड हरामी तो बंद करें। आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप सिग्नल पे बीप दे देते हड्डे घट्टों को, और भाई मैंने खुद देखा है अंधे भी काम कर रहे हैं, आपको यकीन होगा हिजरत कॉलोनी की पुल के नीचे देखे अंधा केले बेच रहा है, तो ये हड्डे घट्टे क्यों नहीं बेच सकते। सबसे पहले तो ये खत्म करें, भिखारियों को खत्म करें, भिखारी जो है तो बहुत कुछ लोगों का हक मारे, हट हराम है, निकम्मा खाते, इस तरह के काम करें, बल्कि मेरे साथ भी आए मुझे भी सपोर्ट करें। आप देखें 3 बज चुके हैं आपके सामने, पूरा स्टॉल खाली जी, देखिए हर चीज़ बिक चुकी है, सब्जी तकरीबन मेरी सारी निकल चुकी है, मेरे पास इतनी वसाइल नहीं है कि मैं ज़्यादा सब्जी लाऊं या इससे बाजार को बढ़ाता, सही। यकीन मानो एक दिन में 50 औरतें आती हैं, मिनते करती हैं बाजी हमें भी लगाओ, वॉलंटियर के तौर पर,
मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है। आप कर सकते हैं इस नेक बाबरकत महीने में तो इस तरह की मदद करें। आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो मेरा साथ बढ़ाऊँ ताकि सफेद पोश लोग बड़े फखर से फरूट भी ले जाएं और सब्जी भी ले जाएं और अपने बच्चों का पेट भर के उनको खिलाएं और रोजे भी अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, आपके माशाल्लाह से ख्यालात बहुत ऊँचे हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर इस चैनल के तवज्जुद से अगर आप अपना नंबर शेयर करना चाहती हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो बताना नहीं चाहते अपना नाम और खामोशी से मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, सारे सवाब हासिल करना चाहते हैं, तो अगर आप उन लोगों को पैगाम देना चाहें कुछ, अपना नंबर शेयर करना चाहें, तो आप वो भी कर सकती हैं जी। नंबर मैं आपको दे दूंगी, आप अपनी वीडियो में ये कर दीजिएगा ऐड और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें ताकि लोग जो है वो देखें और इससे फ़ायदा उठाएं, मेरा भी कुछ वो करें। अल्लाह के बच्चे हैं, जब ये मेरी वीडियो चली तो एक भाई अमेरिका से उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने मुझे 25,000 भिजवाए। अच्छा, 25,000 में आप एक फरूट लगाओ, जो भी लगाओ, तो उसको मैंने फरूट भी लिए, फरूट भी रखा हुआ, एक तख्त भी लिए और ये कांटा भी लिए, जैसे जिससे तोलते हैं, तो ये मैंने किया। ये तख्त पहले मेरे किराए के होते थे, जो अच्छा। मैं 2500 किराया था, अब ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके तख्त भी, मैंने एक और भाई ने मदद की थी जो मैंने तख्त दी, ठीक है। जिस तरह से ये बाजार भी बड़ा हो जाए, सामान भी आ जाएगा मेरे पास, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तब, लेकिन अब जो आज मंडी के रेट थे वो और भी ऊपर चढ़े हुए हैं, बड़े हुए रोड। जो भी लोग आते हैं यहाँ पे सफ़ेद पोश लोग, यकीन माने ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लोग आते हैं और मुझे दुआएं दे के जाते हैं, ये समझे कि बस दुआएं मिल रही हैं मुझे और इसमें से कुछ बच नहीं रहा, क्योंकि ज़ाहिर इसमें क्या मंडी के, आप सुबह हमारी वीडियो चलती है, लाइव चलती है, हमारे ये भाई हमारे साथ हैं, ये भी ब्लॉगर हैं, ये वहाँ पे लाइव वीडियो चलाते हैं। अच्छा। खालिद ब्लॉग नाम से इनका चैनल है, सही। तो वो वीडियो में दिखाते हैं, आप वो देख लें कि कितनी उसमें और इसमें फ़र्क है, सही। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लोग कुरंगी से आ रहे हैं, लोग डिफेंस से ऑर्डर में ऑनलाइन भी ऑर्डर को, अच्छा जी, ऑनलाइन भी मंगवा रहे हैं लोग, बाइकिया को वो खुद पे करते हैं, अब ठीक है उनको इतनी फायदा हो रहा है तो वो बाइकिया के जरिए मंगवा रहे हैं ना। बिल्कुल हाँ। 1,000 रुपए की पूरा ये जो पूरा होता है ना, भर जाता है सब, सही माशाल्लाह। तो मेरे मुनाफाखोरों के लिए भी ये पैगाम है आपके चैनल के थ्रू, ये खुदा का वास्ता है, पता नहीं होता सड़क पे निकल रहे हैं किसी ने गोली मार दी मोबाइल के जरिए, या हम शाम में घर पहुँचेंगे या नहीं, तो ये लोग, ये रमजान का महीना है और लोगों की कमर टूट चुकी है, फैक्ट्री आपको पता है टेक्सटाइल का क्या हाल है, तो हमारी तबाही मची हुई है हमारे पाकिस्तान में सिलाद के बाद, तो खुदा के लिए मुनाफा खोरो, कुछ मुनाफा कम करें और इन लोगों को जीने दें, जो बेचारे खुदकुशियां करके मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, वो क्यों मर रहे हैं, अपने लगते जिगर को कौन मारते हैं आप बताएं, पूरी सेना के किसी को मांगते नहीं है, हमसाए को नहीं बोलते, सही। मुझे बल्कि मुझे ना करें सपोर्ट, लेकिन अपनी मदद आपके थे आप कर लें, सही। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ मुझे आके करें, अपने गले में, अपनी गली में लगा ले, मोहल्ले में लगा ले, स्टॉप पे लगा ले, ताकि लोगों को फायदा हो और लोग दुआएं करें, सही सही सही। थैंक यू मैडम, आप माशाल्लाह से, हम तो आपके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक आपको इस काले खैर में बरकत डाले और लोग आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, आपसे ताउन करें, आपसे पर्सनली आके मिलें और आपसे गाइडलाइन लें और आगे भी स्टॉल इसी तरह के लिए लगाएं, ताकि रमज़ानुल मुबारक का वो वाहिद महीना होता है जहाँ पे इंसान की जो है ना इंसानियत देखी जाती है। बहुत सारी ऐसी औरतें आती हैं, कहते हैं बाजी अल्लाह कैसे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, अल्लाह का वास्ता है बाजी, आटा रख लो, पकवान रख लो सस्ता करके, मैं कहती हूँ मैं हुकूमत नहीं हूँ भाई, सही, सही। मैं आप जैसी बंदी हूँ और मेरे पास इतनी वसाइल नहीं है, दिल तो मेरा भी बहुत है कि मैं इस बाजार को पूरा बड़ा करूँ और इसमें हर चीज रखूँ, हर चीज रखूँ। माशाल्लाह से आपके ख्याल बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपको इस खैर कार की नेकी आपको जजाए खैर दे और आपके लिए पब्लिक और आपके लिए जो हमारे सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि हम किसी तरीके से मदद करें आवाम की, क्योंकि जो बाहर बैठे हुए उनको यही पता है कि पाकिस्तान में हालात ख़राब है, पाकिस्तान में रोटी खाने को नहीं है, गरीबों की दस्त कर से सब कुछ दूर हो चुका है, तो वो हजरात जो हैं वो मेरे मैडम से रब्ता करें, इनका नंबर वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगी, आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं और ये आपको गाइडलाइन देंगी, इसी तरह के स्टॉल जो उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं तो ये आपको बताएंगी उस स्टॉल लगाने का तरीका और सारी गाइडलाइन आपको देंगी। तो मैडम मुझे ये बताएं कि ये सब जो सब्जियों के रेट आपने रखे हुए क्या क्या रेट रखे हैं? रेट जो है ये जो फूल गोभी है जी, इसका रेट जो है 50 रुपये, अच्छा आज के रेट है 40 रुपये, क्योंकि अब मंडी जैसे रमजान, मैंने आपको बताया ना कि हम मुसलमान हैं, सही, तो वही हाल होता जा रहा है मंडी में भी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ
जो आप देखें ये धनिया पुदीने की जो भट्टी है ये मुझे वहाँ से 7 रुपए की अब पड़ी है। अब पड़ी है ये कल ये परसों तक मैं 5 रुपए की मैंने चलाई। अच्छा, अच्छा। क्योंकि मुझे 4 रुपए की पड़ रही थी तो मैं 5 रुपए की दे रही थी, यहाँ जो कोई भी नहीं दे रहा था 5। अब ये मैं 20 रुपए की फिर भी 3 गठियां दे रही हूँ। माशाल्लाह सही है। और ये पालक ये भी इस तरह से 60 रुपए किलो, ये भी है 140 है, और ये शिमला में 100 रुपए है, और अदरक जो है 150 रुपए पाओ है। और अदरक के यकीन माने मैंने कल ही रेट पता किया, अदरक 400 रुपए मिल रही है मार्केट जी बिल्कुल। तो ये जो है ये लहसुन है ये भी 70 रुपए पाओ है, इस तरह से करेला भी 70 रुपए पाओ है, हरी प्याज 50 रुपए पाओ है, और मटर जो आपको पता है आखिर है साफ सुथरा मटर है ये भी 130, मैं 70 रुपए भी बेचती रही हूँ मटर। अच्छा। लेकिन जैसे वो मिलते हैं बस मैं उसमें से किसी में 10 किसी में 5 किसी में 15 वो ही होता है। और ये बैगन है, बैगन जो है ये 40 रुपए है, और वो कल वाला जो है वो मैंने कहा 20 रुपए 30 रुपए भाई निकल तो जाए। इस तरह से चुकंदर जो है वो भी 50 रुपए। अच्छा, मंडी में ये बाहर जो केले मिल रहे हैं ये तो मैंने सुना है 150 200 से भी अब जा रहे हैं। नहीं बहुत महंगा मिला आज केला, मैं इसलिए थोड़ी वो थी कि मैंने कहा मैं क्या करूँ इतनी महंगा केला आप क्यों लाए हैं, अब नहीं लाते कौन लेगा। सही। तो इन्होंने कहा कि लेने वाले ले लेंगे, अब कह रहे फरूख रखना तो है ना। हाँ। केला जो है हमें पीछे इतनी महंगा पड़ा है कि हम यहाँ पे 260 रुपए हमें पड़ा है, 260 रुपए दर्जन, और मैं यहाँ 270 दे रही हूँ, सिर्फ 10 रुपए रख। सही। तो देखिए आप केला भी देखिए कितनी अच्छा वाला हम स्टोर से निकलवा के लाए हैं। सही। छोटा वाला केला भी नहीं है, साफ सुथरा है और बहुत ही अच्छा केला है, लेकिन वो भी मुझे बोर है, अफसोस हो रहा है। इससे पहले मैंने खरबूजा जो है वो कहीं नहीं मिल रहा 100 रुपए, अभी एक औरत आई उसने कहा मैंने तो 150 में ले लिया है, मैं सिर्फ 100 रुपए दूँगी। माशाल्लाह जबरदस्त, यानी आवाम को आपकी तरफ से ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे आए इनके स्टॉल पे आए, देखिए अभी से लोग मायूस होकर जा रहे हैं क्योंकि वो गेहूँ खत्म हो चुके हैं, आलू खत्म हो चुके हैं, और सब्जियाँ भी सारी आपके सामने थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, जो भी 30-35 सुबह में जो होता है आपका माशाल्लाह से पूरा भरा हुआ होता है 10 बजे तक, क्योंकि मेरे पास इतनी ज्यादा वो नहीं है ना। आप देखिए माल जितनी पैसा होगा माल उतनी आएगा। सही। तो उस हिसाब से है, फिर मेरे वॉलंटियर भी हैं उनका भी मुझे निकालना होता है हिसाब किताब, जो मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं घर बार छोड़ के बिल्कुल मेरे साथ लगे हुए हैं। तो बस मैं यही अपील करना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं, अगर वॉलंटियर का खर्चा रखना चाहते हैं तो 10 बंदे आते हैं औरतें इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लड़कियाँ सी कि हमें काम पे रख लें, हमारे शौहरों की नौकरियाँ छूट चुकी हैं, क्योंकि जो होटल पे काम करते थे अब रमजान में होटल तो बंद हो जाएंगे सही ना। तो उनकी दिहाड़ी जो है वो बहुत रात में कम ही हो जाती है 200-300 रुपए, तो मकान का किराया कैसे देंगे। सही बात है। वो घर का खर्चा कैसे, जो छोले लगाते थे जो इस तरह के काम करते थे अब रमजान में तो वो काम खत्म हो गया ना। तो इस तरह से मेरी अपील है कि यहाँ पे आए सपोर्ट करें, आप जिस चीज़ की भी कर सकते हैं, आप मुझे अच्छा कुछ जिस चीज़ की भी आपकी इस्तेदाद है आप यहाँ आए सपोर्ट करें। आप फल रखना चाहते हैं फल आके रखें यहाँ पे, आप सब्जी रखना चाहते हैं सब्जी रखें यहाँ पे आके, जो भी आप कार्य खैर कमाना चाहते हैं माह रमजानुल मुबारक के महीने में। तो गाइस मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैडम की मदद करें यहाँ पे स्टॉल इनका, आप अपनी मर्जी से अपने हाथ से भरना चाहते हैं सामान तो आप अपने हाथ से भर के चले जाएँ। तो इस कार्य खैर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें ताकि आपको भी सवाब मिले मैडम को भी सवाब मिले, और इनकी जो इन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया है इसमें लोगों के लिए आसानी के लिए किया है, ये ना कोई ज़कात है ना कोई खैरात है, ये आवाम को रिलीफ दे रही हैं, और इनको हौसले को और इनकी हिम्मत को इनकी सोच को मेरा सलाम है। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों के लिए ये वीडियो पहुँचे, उन तक ये पैगाम पहुँचे। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और शेयर ज़्यादा करें ताकि जिनको नहीं मालूम है जो खैरात या कुछ इस टाइप की जो मदद करना चाहते हैं वो मैडम से रब्ता करें, आवाम की मदद करें, इस कार्य खैर में मैडम के साथ हिस्सा लें। तो गाइस मैं अब अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस उम्मीद के साथ कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें यहाँ कार्य खैर में आके। तो गाइस मैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, जब तक ये नहीं आना जाए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।